हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पहली बार जो है वो HPRCA के अंडर अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ठीक है। और जिन्होंने जो है वो कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दिए हैं या फिर कोई और एग्जाम दिया है जो कि ऑनलाइन होता था, कंप्यूटर बेस्ड होता था, तो उनको जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। बट मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको एक्सपीरियंस है नहीं, तो आज की वीडियो में उनको ये पता लग जाएगा कि जो HPRCA का ऑफिशियल एग्जाम होने वाला है आपका CBT, वो किस तरीके से होगा, क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, तो सारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है वो पता लग जाए, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि HPRCA अपना पहला एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये उन्होंने जारी किया है कि इस तरीके का हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार आपको जीके स्टडी ऐप का जो है वो फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सिमिलर फॉर्मेट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करते हैं, और हमारी तो ऐप पहले की ही बनी हुई है, तो आपको फॉर्मेट सेम एज इट इज देखने को मिलेगा जैसे आपका ऑनलाइन फॉर्मेट होता है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए और विद नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है जीके स्टडी ऐप का, HPGK टेस्ट 1 है, जहां पर आपको टेस्ट की पूरी डिटेल्स दी गई है। थोड़ी सी पिक ब्लर है क्योंकि स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये मोबाइल से ली गई है। जैसे टोटल क्वेश्चन 10 यहां पर मैंने आपको सैंपल ही दिखाया है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 यहां पर है। तो जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको जो है वो इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित होने से पहले पठानकोट भूभाग निम्न में से किस जिले का भाग था। चार आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है। तो यहां पर जहां पर जो है वो आपका नीला निशान आएगा, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ब्लू निशान आ रहा है, उसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका जो खाली निशान आएगा, अभी आपने वो जो है वो क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपका स्टार आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को मार्क किया है। मार्क करने का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है ना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा लास्ट में दूंगा, तो आप उसको स्टार कर लीजिए, ठीक है। ये ऑनलाइन में, अभी मैं आपको ऑफिशियल में भी दिखाऊंगा, बट यहां पर मैं अभी अपनी ऐप का बता रहा हूं। इसके अलावा आप क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, रिव्यू और नेक्स्ट भी कर सकते हो, तो पूरी फैसिलिटी आपको उस तरीके से मिलती है जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देते हो, ठीक है। और यही मोबाइल का फॉर्मेट है, जैसे मोबाइल का यह फॉर्मेट है, यहां पर प्लस मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, ठीक है, टाइमिंग जो है वो ऊपर की तरफ चली रहती है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर रिस्पांस आप कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने इसका आंसर नहीं देना है तो मार्क करिए और नेक्स्ट कर लीजिए, लास्ट में जाकर आप जो है वो इस तरीके से जब आपके पास लिस्ट खुलेगी तो आपको पता लग जाएगा कितनों का आपने आंसर दिया है, कितनों का आपने मार्क किया है, कितनों का आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं, जो भी एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी कोर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि कोर्स चला हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो अगर आप कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी मॉक टेस्ट यहां पर हमारे पास हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, जरूर जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा HPGK की सीरीज भी चली हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक पर बात करते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका HPRCA के ऊपर कि आपका जो लॉग इन करवाया जाए, ठीक है, वो या तो आपके रोल नंबर के बेसिस पर करवाया जाएगा या फिर एप्लीकेशन के बेसिस पर करवाया जाएगा। जैसे कि आपकी यहां पर फोटो आ जाएगी, ठीक है, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, आपका नाम आएगा, आपकी फोटो आ जाएगी। उसके अलावा आपको या तो ये बोलेंगे कि एप्लीकेशन नंबर डाल दो या फिर कुछ और डाल दो, और सीधा सीधा आपको तौर पे जो है वो साइन इन करना पड़ेगा। अब साइन इन करने के बाद आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस यहां पर देखने को मिलेगी, जो आपको पहले OMR शीट पर पूरी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती थी, ठीक है, वो यहां पर देखने को मिलेगी। कि एग्जामिनेशन का टाइम जैसे यहां पर 120 मिनट बताया गया है, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो वो लाल रंग में शो होगा, आपने आंसर कर दिया है तो ग्रीन में शो होगा, ठीक है जी। आपने किसी को मार्क किया है तो वो उस तरीके से शो होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएगी, तो आपने ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपके पास पहले ही दे दी जाएंगी। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लोगे, देखिए ये HPRCA का ऑफिशियल फॉर्मेट है, ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे तो यहां पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को आएगी, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है, आपका जो एग्जाम होने वाला है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट उन्हें डाउट क्या हो जाता है कि अगर हम यहां पर क्लिक करके हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा पूरे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप जब टेस्ट दोगे
आप यहां पर कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपने मान लीजिए हिंदी कर ली, ठीक है, तो जब आप या फिर आप जो इंस्ट्रक्शंस यहां पर इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ना चाहते हो तो ये भी आपको जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस हिंदी में आपको आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने यहां पर जो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर ली और आपको इन केस अंदर जाकर लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ना था, तो आप वो वहां पर जाकर चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर ली, उसके अलावा मैंने यहां पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस यहां पर पढ़ ली, तो यहां पर मैं जो है वो स्टार्ट कर देता हूं, तो थोड़ा देर लोडिंग लेकर इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हमने जैसे हमारे पास फॉर्मेट होता है वो सारा फॉर्मेट यहां पर उसी तरीके से दिखाया गया है, ठीक है जी। अब जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर आपको अलग अलग सेक्शन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप आंसर दे सकते हो। अब मान लीजिए ये भारत में कुल कितने राज्य, ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा ये T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, और ये सारे किस में आ रहे हैं, ये हिंदी में आ रहे हैं। अब आपको मान लीजिए हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर जाकर जो है वो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लोगे, तो यहां पर जो है वो आपका इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि यहां पर जितने क्वेश्चन मैंने व्यू किए हैं तो 1, 2, 3 करके जो है वो रेड में आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब, रेड का मतलब क्या है कि मैंने क्वेश्चन देख तो लिए हैं, ठीक है, बट मैंने यहां पर आंसर जो है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि यहां पर मैंने आंसर नहीं दिया। अब मान लीजिए मैं यहां पर आंसर दे देता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ग्रीन हो गया है कि ये जो है वो आपने आंसर दे दिया है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस में ये देख सकते हो कि आपने जो है वो कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, कितनों को देखकर छोड़ दिया है। कई बार बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि क्वेश्चन बीच में स्किप हो जाते हैं, ठीक है, कि आपने आंसर दे दिया और आपका एक आधा क्वेश्चन छूट गया, तो OMR में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहां पर आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि जो रेड में है उनका आपने आंसर नहीं दिया है, ठीक है जी। और जो आपके सिंपल सा है कि मान लीजिए आपने विजिट ही नहीं किए हैं जो क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर जो है वो इस तरीके का आपको खाली देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये है आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता था, ठीक है, और मुझे ये करना है कि मुझे अभी इसका आंसर नहीं देना है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, बट मैं लास्ट में जाकर जब मेरा पेपर पूरा हो जाएगा तब जाकर जो है वो मैं इसका आंसर दूंगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। तो अब आप इस तरफ देखोगे तो ये जो है वो वायलेट कलर में आपका आंसर आ गया है, मतलब कि शो हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके वायलेट कलर में होंगे वो आपने इस तरीके से रखे हैं कि भाई हमने मार्क्ड रखा है कि इसको मुझे या तो दोबारा से चेक कर, अगर आप इसका आंसर भी दे दोगे, मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, तो इस पर राइट का क्लिक आ जाएगा कि आपने आंसर भी दे दिया है, ठीक है, आपने मार्क भी करके रखा है कि इसको मैं मुझे एक और बार से जो है वो चेकआउट करना है, और साथ साथ टाइम आपका लेफ्ट कितना रहा है वो भी आपके सामने चलता रहेगा। आपको बार बार घड़ी देखने की, बार बार किसी से टाइम पूछने की, बहुत सारे बच्चे हॉल में टाइम पूछते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने करेक्ट मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे और कितने नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेक्शन यहां पर अभी तो मेंशन किए गए हैं, तो हो सकता है कि सेक्शन आपको वहां पर भी देखने को मिले, बट नहीं भी मिले तो भी कोई ज्यादा इशू यहां पर नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको, एक बहुत बड़ा बेनिफिट अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। बट फिलहाल के लिए ये बेनिफिट अच्छा है कि आपको जो है वो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये आप फाइंड आउट कर पाओगे, ये पता लगा पाओगे कि कितने आंसर मैंने दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई अगर मैंने क्या किया है कि मैंने ये क्वेश्चन अभी नहीं देने हैं, मुझे लास्ट में देने हैं इसके आंसर, तो आप उसको जो है वो मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो वायलेट कलर में आपको वो नजर आएंगे, ताकि आप लास्ट में जब आपके पास मान लीजिए 15 मिनट बचे हैं और आपने ये सोचा है कि अब मैं जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो मैं यहां पर जो है वो आंसर दूंगा या दूंगी, तो आप वायलेट कलर पर डायरेक्टली जब टिक करोगे तो वही क्वेश्चन आपके पास जो है वो ओपन होकर आएंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आपको पेज पलटने की या फिर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जाइए। मान लीजिए मैंने 27 का आंसर देना है, तो मैं डायरेक्टली 20, मान लीजिए आपने 27 को वायलेट पे क्लिक करा था, अब मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है 27 को, और मैं दे रहा हूं आंसर 60 क्वेश्चन का, बट मुझे अब मेरे पास 15 मिनट बचे हैं। अब मैंने 15 मिनट में क्या करना है कि जो मैंने वॉयलेट कलर में रखे थे क्वेश्चन, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू रखे थे, उनका आंसर देना है। तो मैं डायरेक्टली ऊपर जाऊंगा, 27 पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आंसर दूंगा। फिर मैं 7th पे जाऊंगा, ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर दूंगा। 8th पर जाऊंगा, इसका जो है वो आंसर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो होने वाला है। आई होप आपको समझ आया गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए, तो आप फिर टेस्ट को जो है वो सबमिट कर पाओगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, चाहे वो टाइम रहते अंदर कर दिए, ठीक है। और अगर टाइम आपका खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट जो है वो बंद हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा ऑनलाइन का, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर का भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर या क्या है। अब इसका ये नहीं पता है कि आपके पास जो है वो किस तरीके से क्या जो है वो प्रिंट मिलेगा, वैसे मिलता नहीं है, ठीक है, बट वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए मकसद जो है वो आपको यह बताना है
कि किस तरीके से जो है वो फॉर्मेट आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो बहुत बच्चों के काम आने वाली है, ठीक है, सीबीटी में अगर सीबीटी के एग्जाम आगे कंडक्ट करवाए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये दिक्कत होते हुए देखी भी है, बहुत सारे बच्चे डिस्कस भी करते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है, हिंदी में है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। भारत की राजधानी, मुझे पता है कि भाई भारत की राजधानी मुझे लगानी थी न्यू दिल्ली, ठीक है जी, बट मैंने गलती से क्लिक कर दिया कोलकाता पे। अब कोलकाता पे क्लिक कर दिया और मैंने कर दिया यहां पर नेक्स्ट। अब अगर आप ओएमआर शीट में होते तो आपको सिर्फ पछताना पड़ता कि भाई मैंने गलत क्वेश्चन, मतलब मुझे क्वेश्चन आता था बट मैंने गलत आंसर इसका लगा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ ऐसा होता होगा कि भाई आपको क्या होता है कि आप जल्दबाजी में बहुत क्या करते हो कि कई बार आंसर जो सही होते हैं उसको भी गलत टिक कर लेते हो। बट अब क्या है कि यहां पर जब आप जो है वो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपने करा, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, आपने गलती से मुंबई लगा दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहां पर क्लियर रिस्पांस करोगे तो ये दोबारा से आप टिक कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार लगाओगे तो वो फाइनल हो जाएगा, जब तक आप टेस्ट सबमिट नहीं करते हो आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तीसरे का मान लीजिए मैंने दूसरे का यहां पर लगा दिया मुंबई लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर मैंने यहां पर दक्षिण अफ्रीका लगा दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर फोर्थ लगा दिया मैंने इस तरीके से, फिर नेक्स्ट कर दिया, बट मुझे ध्यान आया कि भाई सेकंड का तो मेरा आंसर जो है वो कुछ और होना था, मैंने गलती से लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा सेकंड क्वेश्चन पर जाऊंगा, क्लियर रिस्पॉन्स करूंगा और न्यू दिल्ली सिलेक्ट करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा और आपका आंसर यहां पर है वो ठीक आप लगा पाओगे। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है वो बेनिफिट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, ठीक है, तो आप यहां पर जो है वो उनको ठीक कर सकते हो, ये तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है जी। और यही बेनिफिट हम आपको जीके स्टडी ऐप में देते हैं, जब भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो अपने रिस्पांस वहां पर क्लियर कर सकते हो, मतलब पूरा फॉर्मेट वही बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं जो चेंज है, ठीक है। ये ऊपर सेक्शन दिए गए, ये भी हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, बट हम ज्यादा ये करते हैं कि एक ही सिंपल जो है वो टेस्ट यहां पर आपका हो, ठीक है। तो ये भाई HPRCA का ऑफिशियली है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट वहां पर रहने वाला है, आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हो कोर्सेज लेते हो तो आपकी वहां पर प्रैक्टिस इसी अकॉर्डिंग होती है, आप चाहे सिस्टम में खोल के देख लीजिए चाहे मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से आप जो है वो HPRCA में एग्जाम दोगे, उसी तरीके से पटवारी कोर्स में जिन्होंने पटवारी कोर्स ज्वाइन किया है जो भी वहां पर मॉक टेस्ट हो रहे हैं सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो नहीं हो वो सारी चीजें भी आपकी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा अच्छे से, और मैंने आपको दूसरी चीज बता दी कि भाई ये भी इंग्लिश हिंदी में आप चेंज कर सकते हो, बाकी डरने वाली तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको बेनिफिट ओएमआर से तो ज्यादा बेनिफिट ही मिल रहे हैं, फायदा ही हो रहा है आपको, ठीक है, अगर आप एक अच्छे तरीके से समझोगे कि आप आंसर को चेंज कर सकते हो, एक ही जगह पर आपके सारे क्वेश्चन जो है वो दिख सकते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आपको बेनिफिट हो रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।